हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अब इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि न्यू ऐप कैसे बनाएं बम्बल पे। एक बेसिक गो थ्रू कि भाई क्या है क्या नहीं है, एक सिंपल व्हेन यू फर्स्ट कम ऑन दी बम्बल तो कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट। सो व्हेन एवर यू गो ऑन दी बम्बल डॉट आईओ, तो अगर आप लॉग इन नहीं हो तो आपको लॉग इन वाले पे ले जाएगा। लॉग इन करो, अपने क्रेडेंशियल से साइन अप करो, उसके बाद ये पेज ओपन होगा माई ऐप से प्लेस की, जहाँ पे सारे आपके ऑलरेडी जो बिल्ट इन ऐप है वो आपको देखेंगे, और माई प्लगइन जो आप प्लगइन बनाओगे वो माई टेम्पलेट, वो जो आप अपनी टेम्पलेट्स बनाओगे। ठीक है, तो माई ऐप्स पे आते हैं वापस। सबसे पहले न्यू ऐप, यहाँ पे नेम ऑफ दिस न्यू ऐप, ये नेम बहुत क्रिटिकल है और ये यूनिक होता है आई थिंक अक्रॉस दी बम्बल ऐप्स, तो ये बड़ा सोच समझ करेगा, क्योंकि आई थिंक बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लेना, ये चेंज नहीं होता। मैं जैसे देता हूँ YouTube पोस्ट, ठीक है। अब ये है टेम्पलेट, एक है कि भाई आप कोई भी टेम्पलेट यूज ना करो, एक बेसिक कैनवास आपको मिलेगा आप वो यूज करो, या फिर आप है कि आपकी जितनी भी टेम्पलेट है या फिर आपने जो टेम्पलेट परचेज की है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अब मैं एक सेकंड और बताता हूँ टेम्पलेट परचेज कैसे करते हो करोगे। इस वाले पे क्लिक करो, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगी। एक मिनट ना, वो लोड हो रहा है, ये इसका बबल में सबसे स्लो ही लोड होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स है जो ऑलरेडी डेवलपर्स ने बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, जो मर्जी वो यूज करो। यहाँ पे क्लिक करो, जैसे मैं अभी मार्केट प्लेस क्लिक कर दिया, इस पर प्रीव्यू करो, डिटेल्स पे क्लिक करो, ये इनकी टेम्पलेट है, जैसे ये आई थिंक लैंडिंग पेज है, यहाँ पे लॉग इन साइन अप करके वो सब कर सकते हो। तो यहाँ पे बाय टेम्पलेट का ऑप्शन है, बाय करो, स्टैंडर्ड लाइसेंस लेना है स्टैंडर्ड, डेवलपर लाइसेंस लेना है डेवलपर, डेवलपर लाइसेंस में यू कैन यूज मल्टीपल टाइम, स्टैंडर्ड लाइसेंस में यू कैन यूज जस्ट सिंगल टाइम। बाय नाउ, अगर कोई कूपन कोड है वो यूज करो, नहीं है तो भाई बाय $299 पे करो, और जैसे ही आप पे कर लोगे परचेस कर लोगे वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सिंस अभी हम कुछ नहीं है तो हम एम टी के साथ चलते हैं। इसके बाद व्हाट काइंड ऑफ मार्केट प्लेस, दैट इज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब दैट इज फॉर जस्ट फॉर दे आर इंटरनल यूज, की भाई किस टाइप की ऑडियंस आ रही है किस टाइप की ऑडियंस नहीं आ रही। यहाँ पे डिटेल्स ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, इस कस्टमर फेसिंग नॉट जो मर्जी, ये सब अपने अपने इंटरनल उसके लिए है। जस्ट क्रिएट ए न्यू ऐप, सॉरी यूट्यूब कोर्स इज ऑलरेडी टेकन, जस्ट बंद कर देते हैं, क्रिएट ए न्यू। ये भी मैं यहाँ पे इंटर नंबर नहीं ले सकता, कुछ भी ऐड कर दूँ मैं, क्रिएट ए न्यू, ये थोड़ा टाइम लेगा लोड, ये सेटअप करने में थोड़ा टाइम लेता है, ये हो रहा है। ठीक है, तो ये इनका एक ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाता है, ये मैं ऑलरेडी कितनी बार देख चुका हूँ, तो मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट विद द ब्लैंक पेज कर दिया सिंपल, क्लोज जस्ट। अब ये इनका ब्लैंक पेज आया है, ठीक है, हमने ब्लैंक पेज बोला था वहां पे हमने चूज कर, तो वो जो अभी फ्लैश हुआ ना जस्ट एक सेकंड के, वैसा कुछ आता। तो ये यहाँ पे आपके सारे विजुअल एलिमेंट, इनपुट आउटपुट एलिमेंट है, या आपका कैनवास है, यहाँ पे अपना डिजाइन करो, यहाँ पे अपनी रेस्पॉन्सिव चेक करो। आगे के वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिव बनाते हो कैसे नहीं बनाते हो, तो ये सब है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, डिजाइन, वर्क फ्लो, डेटा, स्टाइल सेक्शन, प्लगइन सेक्शन, सेटिंग, लॉग, तो ये सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कमिंग वीडियोज में, स्टे ट्यून्ड। एंड मुझे बताओ कि आपको क्या इश्यू है, कोई प्रॉब्लम हो जस्ट मेल मी ऑन ईमेल आईडी, दैट्स इट, ओके, बाय बाय, टेक केयर।